शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दो से पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के साथ साथ जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। समरी की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 186 रन लगाए थे, ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी थी बांग्लादेश की टीम। 200 टारगेट छोटा था, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने अच्छी लड़ाई की, लेकिन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को एक विकेट से हरा दिया बांग्लादेश ने। जी हां दोस्तों, एक विकेट से बांग्लादेश ने मुकाबला तो जीता, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम को बड़ा जुर्माना लगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों की 80% फीस चली गई। दोस्तों दरअसल ये बात है, जब बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के 187 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, 200 स्लो रन रेट के चलते भारतीय टीम को आईसीसी ने बड़ा जुर्माना लगाया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की टोटल फीस में से 80% का जुर्माना लगा भारतीय टीम को स्लो गेंदबाजी करने के लिए। दोस्तों भारतीय टीम जब गेंदबाजी कर रही थी और बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रही थी, तब भारतीय टीम ने गेंदबाजी काफी स्लो की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस चीज का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा, जिसके चलते इन्हें जुर्माना देना पड़ा अपनी मैच की फीस की कमाई का 80%, यानी अगर 1 करोड़ फीस है तो 80 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में बताओ जरूर।